सो गाइस, ये वीडियो ना सच में उन लड़कों से ना, सभी लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए है मेरा वीडियो, आदमियों के लिए कि यार या तो शादी मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो शादी। अगर शादी करते हो ना तो जिससे शादी करो ना, कभी उसको छोड़ना मत, कभी उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करना, क्योंकि आपको तो आप दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कितनी शादियां कर लोगे, लड़कियां घुमा लोगे, आपको कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन जिसको आप छोड़ते हो ना वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती है, सारी ज़िंदगी के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरे पे ना ऐसा दाग लग गया ना, मैं अपनी बात करूँ तो ये दूसरी शादी का जो मेरे पे दाग लगा है ना, मेरे करेक्टर पे, सारी ज़िंदगी ये दाग नहीं मिट सकता। हर कोई उस नज़र से देख रहा है कि दो दो शादियां हुई हैं, दो दो शादियां हुई हैं, अरे दूसरी तीसरी पता नहीं कितनी शादियां, मेरी तो पता नहीं अभी 5-10 भैया और होएंगी शादियां। क्या करूं मैं, कितनी कोशिश कर ली आप सबको हंसाने की, कितनी कोशिश कर ली आप सबको पॉजिटिव कंटेंट देने की, खुश रखने की, सब कुछ करके देख लिया मैंने, लेकिन घूम फिर के मैं वही आ जाती हूँ, क्योंकि असलियत यही है ना कि दूसरी शादी का जो मेरे पे दाग, वो जो धब्बा लगा है मेरे पे। हम ना, हम जो लेडीज होती हैं जिनको गलत पति मिल जाता है, पहले पति तो मेरा बहुत अच्छा था पर उसको भगवान ने नहीं मेरी किस्मत में छोड़ा, वो होता तो आज मैं ये दिन देख ही नहीं रही होती। दूसरा आया, दूसरे ने सारा कुछ खा लिया, मेरा पैसा, सब कुछ, मेरा करियर, मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे लाखों में व्यूज़ आ रहे थे, सब डुबो दिया, सब कुछ डुबो दिया मेरा। मुझे मुझे पता है मेरे पे क्या बीतती है, पता नहीं मैं उस चीज़ को कैसे आप सबके सामने एक्सप्लेन करूं कि ये जो दूसरी शादी हुई है ना, हुई थी और टूट गई है, डिवोर्स भी हो गया है, लिख लिखा भी हो गया है हमारा कि अब से हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, फिर भी वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, फिर भी वो मेरे पास वापस आना चाहता है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पास अब वापस आए, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती। जब भी मैं अनमोल के साथ होती हूँ मुझे खुशी मिलती है, मैं खुश होती हूँ, मैं याद नहीं करती फिर गगन को, या मैं पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें मुझे नहीं रहती यार, मैं हंसती हूँ, मैं खुश होती हूँ। और लोगों को हमारे, बहुत लोगों को हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं कि हाँ ये दोनों साथ में खुश रखते हैं, अच्छे लगते हैं दोनों साथ में, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं, ब्लेसिंग देते हैं सब, बहुत अच्छा लगता है, भगवान करे आपकी ब्लेसिंग जल्दी से जल्दी लगे हमें, जो आप कहते हो गॉड ब्लेस यू। लेकिन बस यही मैं कहना चाहती थी, हम भी मेरे जैसे दिल में बातें थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती छोटा सा, कि किसी लड़की की ज़िंदगी मत ख़राब किया करो यार। अगर आप लोग नशे भी करते हो ना, नशा लग जाता है बंदे को, चलो वो उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता नशे पे, लेकिन आप नशा छोड़ सकते हो, मेडिसिन आती है, बहुत मेडिसिन दवाइयाँ आती है, और खुद का दिमाग, खुद के मन पे कंट्रोल करो ना, अगर आप कि हम मुझे नशा छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, रिहैब सेंटर है, सब जगह जाके नशा छोड़ा जा सकता है, लेकिन जब बंदा छोड़ना ही नहीं चाहे, चलाकियाँ करे, चोरी चोरी ये चीज़ें उठा के बेच दी, वो उठा के बेच दिया, ये सब चीज़ें करे, मेरे घर से छोड़ो, क्या ही बोलना है ना, अब खुद ही समझदार हो, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा नशा करता होगा, अभी चिट्टा लगाता होगा, तो उसकी लाइफ क्या होगी, क्या 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 करता होगा वो, और नशा लग जाता है, चलो इंसान करता है, देखिए कमाता तो सही ना, पूरा 1-1.5 साल, 1 साल 2 महीने हमारा रिश्ता रहा है, तो वो 1 साल 2 महीने, 14 महीने लगा लो, 14 महीनों में क्या कमाया उसने, क्या कमाया, आप सब भी प्रूफ हो इस चीज़ का। तो शुक्र है भगवान का कि मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, हर दिन अपना दिखाती हूँ, हर मेरी पर्सनल लाइफ का सब कुछ रिवील है यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, तो मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उस इंसान के लिए बहुत किया, उसको बाइक लेके दी, फोन लेके दिया, कपड़े लत्ते तक मैं लेके देती थी,
ये दाढ़ी मूछ बढ़ाने वाले जो तेल होते हैं ना, तेल एक क्या बोलते हैं उसको, अर्बन गब्बरू के वो तेल होते थे ऐसे, मूछ बढ़ाने वाले, बाल बढ़ाने वाले, हेयर रिमूवर स्प्रे, परफ्यूम, डियो, शूज, दो दो तीन तीन जोड़ी शूज लेके दे रखे थे, चप्पलें तक, A to Z सब चीज़ें मैंने लेके दी उस इंसान ने। कभी नहीं सोचा कि कंचन को भी कुछ चाहिए होगा, मुझे कभी कुछ नहीं दिया। एक महीना यूट्यूब पे मैंने ही वीडियोस बनाई थी, तो मैंने अपने एक चैनल की पेमेंट उसको दी, तो उसमें से उसने मुझे एक चांदी का दिल वाला छोटा सा छल्ला बनवा के दिया था, और बाकी के पैसों का सब मतलब बच्चों को और घर वालों को सबको कपड़े दिला दुलू के ख़त्म कर दिए थे। लेकिन वो मेहनत तो मेरी थी, वीडियोस तो मैंने बनाई थी, बस उसको एक दिलासा सा देने के लिए कि चल कोई नहीं, तू मेरा एक चैनल रख ले, उसकी पेमेंट तू रख लिया कर, इसलिए मैं अपना पैसा दे देती थी। क्या मिला मुझे, पहले मेरा सर फोड़ा उस इंसान ने, मुझे गाड़ी में से धक्का देके, आज सुन लो आप ये बात, गाड़ी में से धक्का दिया, मेरा सर फोड़ा, कम्युनिटी में डालूंगी फोटोज या थंबनेल पे लगाऊंगी, देख लेना, मेरा सर फोड़ा। उसके बाद मुझे मारा उसने उस घर में, वाइपर से, थप्पड़ों से, मुक्के मार के, जिसका ये प्रूफ है, ये भी फोटो लगा दूंगी, एडमिट रही हूँ, बेबी था मेरे पेट में, मर गया मेरा बच्चा, मार दिया गया था वो बच्चा पेट में ही, सिर्फ उसके मारने की वजह से मेरे ब्लीडिंग चालू हो गई थी, ख़त्म हो गया था मेरा बच्चा। ये जख्म है जो मेरे चेहरे पे आ गया है, सारी ज़िंदगी रहेगा, ये मेरे लग गई थी, ऐसा मुक्का मारा था तो दाग लग गया था। रोऊंगी नहीं मैं बिल्कुल, मेरा रोई सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पे बहुत इल्ज़ाम लगते हैं ना, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपनी तरफ से बताऊँ कि मेरे क्या गुस्सा आया। अभी भी लोग बोलते हैं तू रिश्ता नहीं निभा पाई, कुछ लोग बोलते हैं, दो चार लोग कमेंट करते हैं जो मेरे हेटर्स हैं कि रिश्ता नहीं निभा पाई, मैं अभी भी नहीं रिश्ता निभा पाई। उसका पूरा परिवार संभाल रखा था मैंने, उसकी बेटी को अपनी बेटी बना के इतना प्यार किया, हालांकि उसकी बेटी खातर अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के चली गई उनके वहाँ पे, कि नहीं उस बच्ची को माँ की ज़रूरत है, क्या मेरे बेटे को नहीं माँ बाप की ज़रूरत थी, फिर भी मैं चली गई थी। मैंने अपनी तरफ से हर तरीके से प्यार दिया, कपड़े लेके दिए उसकी बच्ची को, जाप को, हर चीज़ मैंने लेके दी, एक माँ से भी बढ़ के मैंने किया। उसकी सगी माँ तो उसको छोड़ गई थी, लेकिन मैं सगी से भी बढ़ के उसके लिए बनी थी। मैंने अपना बच्चा तक इग्नोर कर दिया था सिर्फ उस बच्ची को प्यार देने के लिए। कई बार ऐसा भी होता था कि अपने प्रियांश को अपने पास नहीं सुलाती थी, लेकिन जाप को सुलाती थी। प्रियांश मेरे से इसीलिए दूर हो गया था कि तू तो जाप को प्यार करती है, माँ मेरे से नहीं करती। इतना कुछ किया मैंने, उसकी माँ बीमार हुई, मैं ही फटाफट लड़ाई होने के बावजूद भी भागी गई, सेवा करी, उन क्या मिला, सेवा करी क्या मिला मुझे, लाते पड़े वहां से। मुझे गली में मारा उसने, धक्के दिए मुझे, ट्रेन के नीचे मरने जा रही थी मैं, फिर पुलिस वालों ने रोका, थप्पड़ लगाए, मुझे वापस घर भेजा, लिखवाया मुझसे बकायदा कि मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूंगी। केस बन गया था मेरे ऊपर, मर रही थी, अब सुसाइड कर रही थी, ये कर रही थी मैं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे ये था क्या बचा यार, जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया, मैंने मेरे पहले पति की, इस तरह मेरे पहले पति की फ़ोटो, उसके कपड़े, उसकी हर चीज़ हटा दी थी घर में से, कि मेरे मायके वाले घर में से भी, कि कुछ होना नहीं चाहिए उसका, उसका कोई भी इतनी सी भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने सारी चीज़ें छुपा दी, सब कुछ दबा दिया बेड के बॉक्स पे, कि मैं इस पे से अभी एल्बम तक मैंने छुपा दी, फोटोज तक मैंने छुपा दी, सब कुछ मैंने हटा दिया था, सिर्फ इसलिए कि नहीं इसको बुरा ना लगे, इसको बुरा ना लगे। यार कौन लड़की इतना करती है यार, आप एक दिन भी, एक महीना भी आप अपने पति को घर पे बिठा के, अपने खुद मेहनत करके कमा के खिला दो, सारा दिन मंजे पे वेला पड़ा, फ़ोन चलाता था, सारा दिन फ़ोन चलाता था, फ़ोन के रिचार्ज में करके देती थी, फ़ोन भी मैंने लेके दिए। एक किसी ने बोला कि इसके पास तो आईफोन तो अब लिया है, ये झूठा नाम लगाती है आईफोन, मेरे पास पहले 3 कैमरे वाला प्रो हुआ था, 11 प्रो था मेरे पास, 11 प्रो मेरा किसने बेचा है याद आपको। उसके बाद मैंने ओप्पो का फ़ोन लिया था जो मेरे प्रयाश के पास है, उसी के साथ का सेट लिया था मैंने, वो किसने बेचा, इसने बेचा, इसलिए
अपने डशों के लिए। अरे सबको पता है ठीक है कितना पैसा बर्बाद हुआ मेरा सिर्फ प्यार प्यार में, कि मैंने इस इंसान को सुधारना चाहा, मैंने सोचा कि क्या पता यार प्यार में नशा छोड़ दे। रोती थी मैं उसको गोदी ले लेके, ड्रिप पे लगवाती थी इसके, हाय इसको कुछ ना हो जाए, हाय मेरे गगन को कुछ ना हो जाए, ऐसे करती थी मैं जफ्फिया पापा के, रात भर ऐसे जफ्फिया के लिटाई रखती थी कि इसको कुछ हो ना जाए, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। नशा छोड़ता था बीमार हो जाता था, इसलिए उसके फिर अगले दिन पैसे दे देती थी, ले आ तेरे गोलियां कैप्सूल, ले आ तेरे गोलियां कैप्सूल। फिर वो चलाकी करता था, कुछ ना कुछ उठा के ले गया, बेच आया और फिर चिट्टा लगाया। इसमें मेरा कसूर है? सब बोलते थे तब मुझे, क्यों नहीं छोड़ती है इसको, क्यों नहीं छोड़ती है, क्यों नहीं छोड़ती है, क्या चाहिए तुझे इससे, आदमी की भूख है, ये है वो है, बहुत कुछ बोलते थे, जबकि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, कुछ भूख नहीं थी। सच बताऊँ ना, आप भी लोग भी इंसान हो, शर्म आएगी आप लोगों को सुनने में और मेरे पे भी गालियाँ दोगे, लेकिन अगर कुछ करना हो ना तो और भी बहुत तरीके होते हैं वो सब करने के, ज़रूरी नहीं है आदमी का इस चाहिए हो। ठीक है, बेशरम होकर मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ी है, क्योंकि मेरे पे इतने एलिगेशन लगा दिए कि मेरे पास बोलने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। मैं उससे दूर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब ये सोचा ना कि यार अगर मैं इसको रखूँगी, इसके खर्चे उठाई जाऊँगी, इसके घर घर पे इस देखूँगी, इसके घर बार के बारे में, इसके नशों के बारे में देखूँगी, तो फिर मैं प्रयास के लिए कब पैसा जोड़ूंगी, कब मैं उसके लिए घर बनाऊँगी, नहीं बना सकूँगी ना मैं घर, नहीं बना सकूँ। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे साथ इतना फोर्स किया गया मुझे कि तू लोन करवा के दे, इसने मुझे इतना फोर्स किया गया, इसके घर वाले इससे लड़ते रहे कि लोन के लिए मना कर दिया ये वो। मैं क्यों 16 लाख का लोन करवा के दूँ अपने नाम पे, क्यों करवा के दूँ, 20 साल के लिए ये लोन करवा के दो, क्यों मैं करवाऊँ भाई, कल को तेरे माँ बाप का भगवान न करे कभी 2 साल में कुछ हो जाए, उनको बुढ़ापा आ रखा है, बूढ़े लोगों को कभी भी ज़िंदगी का कड़वी सच्चाई है ये, पर सच है, कभी भी कुछ भी हो जाए बूढ़े माँ बाप को, तो सारा लोन ज़िंदगी भर मैं भरूँगी, क्यों, ये तो कुछ कमाता नहीं है, ये तो कुछ करता नहीं है, जो ये भरे मेरे नाम पे लोन लो तुम, मैं ही भरूँगी फिर सारी ज़िंदगी, क्यों भरूँ मैं भाई, 16 लाख थोड़ा होता है, 20 साल थोड़े होते हैं, कल को मुझे कुछ हो जाए, मुझे लीवर की प्रॉब्लम है, कल को मुझे कुछ हो जाए, मैं मर जाऊँ, मेरा बच्चा फंस जाएगा सारी ज़िंदगी, क्या मेरा बच्चा लोन ही चुकाता रहेगा, मैं नहीं कर्जा, मैंने कोई कर्जा नहीं रखा, मेरे पे अब कोई कर्जा नहीं है, हाँ मेरी स्कूटी वगैरह की इंस्टॉलमेंट वगैरह है जो है, पर मेरा कर्जा नहीं है कोई भी, कोई कर्जा नहीं मेरे पे, मैं अपना अच्छा खासा कमा के अपना बच्चा पाल रही हूँ, अपना घर चला रही हूँ, मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं थी। हाँ एक दोस्त चाहिए होता है जिसके साथ टाइम स्पेंड करे, जिसके साथ मुझे खुशी मिले, और वो मेरी लाइफ में अनमोल है मेरे पास, जिसके साथ मुझे खुशी मिलती है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ मुझे खुशी मिलती है, मैं मुझे हंसाता है वो है ही ऐसा, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो जब जिसके पास वो बैठा होगा ना, इंसान रो नहीं सकता, इंसान हंसी जाएगा क्योंकि वो हंसाता ही रहता है ऑल टाइम, वो खुद भी हंसता है दूसरों को भी हंसाता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है उसमें से, इसलिए मैं उसके साथ हूँ, अब भगवान करे हमेशा वो मेरे साथ ही रहे। काम करना है, बहुत काम करना है, आगे जाना है। मैं एक बात बस ये समझाना चाहती हूँ अपनी वीडियो में कि मेरा कसूर नहीं है, पहली दूसरी शादी मैंने तो मेरी एक ही शादी की थी लेकिन वो भगवान को मंजूर नहीं थी, तो इसलिए मेरी लाइफ में भगवान ने ये दुख लिखना था, इसलिए मेरी दूसरी शादी हुई, जिसपे मेरे साथ इतना कुछ गलत होने के बावजूद भी मैं निभाते, मुझे पता था जिस दिन मैंने छोड़ दिया, तलाक ले लिया, उस दिन लोग मुझे ही बोलेंगे कि तू ही गलत थी, मेरे में ही उंगलियाँ उठेगी, इसीलिए मैं रिश्ता ख़त्म नहीं कर रही थी, बट हार के मुझे अब जब दिखा कि नहीं मेरे बच्चे को बर्बादी हो रही है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तब जाके मैंने एक माँ होके ना ये स्ट्रॉन्ग फैसला लिया, क्योंकि एक माँ स्ट्रांगली फैसला ले सकती, बीवी नहीं ले सकती, तो मैंने स्ट्रांगली फैसला लिया, मैंने अपना जो रिश्ता था ख़त्म करा, डिवोर्स हुआ, और कुछ लोग कहते हैं इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं होता, होता है भाई, कचहरियों में जाओ, स्टैम्प पेपर बनवाओ, उस पर लिखवाओ, नोटरी टेस्टेड करवाओ, मोहर लगाओ, स्टैम्प लगवाओ, तब जाके हो जाता है डिवोर्स, और हमने ऐसा ही किया, हमारा हो गया, बाहर निकली उसने कागज़ फाड़ दिए, लेकिन रजिस्टर तो हो गया ना वहाँ पे, नोटरी टेस्टेड है, मोर लगी हुई है उस पर, स्टैम्प लगी हुई है,
तो वो रजिस्टर हो गया है वहां पे। अब पढ़ने से पेपर जितने मर्जी पढ़ लो और कॉपी निकल आएगी और मिल जाएगी कॉपी वहां पे से। डिवोर्स हो गया है और मेरी दोनों शादियों का जो कलंक मेरे यहाँ पे माथे पे लिख दिया गया है ना, दूसरी शादी अभी सारी जिंदगी मुझे सुनना पड़ेगा, सारी जिंदगी मुझे ये चीज सुननी पड़ेगी लोगों से, क्योंकि वो एक दाग एक धब्बा लग गया मेरे पे। तो सभी आदमियों को लड़कों को यही बोलूंगी, किसी लड़की की जिंदगी खराब मत किया करो। अगर आप नशे करते भी हो ना तो भी किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो, शादी करके मत करो। एक गर्लफ्रेंड बना सकते हो, गर्लफ्रेंड बना के बस आप रिश्ता रख लो, लिव इन में रहो, शादी मत करना। क्योंकि जब आप शादी करके छोड़ोगे ना, उस लड़की का मरण हो जाता है, उसको दुनिया जीने नहीं देगी। शादी मत करना। और अगर आप नशे करते हो और आप फिर भी शादी कर रहे हो तो इतना कहूँगी, खुद कमा के ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओ। नशे करते हो ठीक है, वो एक लिमिट में करो, ठीक है करते हो आप, मान लिया, अपने पैसों से करो। और अपनी बीवी अपने बच्चों को अपने घर को माँ बाप को उनको कमा के दो, उनका भी पालन पोषण करो, जॉब करो, कमाओ। वेले फ़ोन लेके, जैसे मेरा पति बैठा रहता सारा दिन फ़ोन चलाता था, 19 रुपये वाला रिचार्ज करे नेट ख़त्म हो गया, 25 वाला रिचार्ज करे नेट ख़त्म हो गया सारा दिन। पागल थी मैं, पागल। 20 रुपये दी मैं कूल लिप लेके आनी है, 20 रुपये दी मैं, मेरी कूल लिप मुक गई है। मैं केक खाना है, मैं बिस्किट खाने हैं, मैं भुजिया खानी, जैसे कोई बच्चा जिद करता है ना। अगर मैं शॉप पे, मेरे पास 100 रुपये है और मैं सोच रही हूँ 50 का दूध ले आऊँ, शॉप पे जाती हूँ ना तो उसको ये होता है 50 रुपये बच गए ना, मेरे लिए मिल्क केक दे दे, मेरे लिए बिस्किट दे दे, मेरे लिए भुजिया दे दे, मेरे लिए मठियाँ दे दे, मेरे लिए बालू शेंगे ले चल, ये होता था उसका काम। और मैं क्या, मैं मना भी नहीं कर सकती थी, क्या मना करूँ, मुझे था चल यार खाने की चीज़ पे मैं क्या इसको मना करूँ। उसने कभी नहीं सोचा कि यार इसके पास पैसे नहीं है, कभी भी नहीं सोचा, उसको बस पैसे चाहिए होते थे। मेरी कूल लिप मुक गई, मेरा रिचार्ज मुक गया, मोटी मेरी शर्ट टाय हो गई, मोटी मेरी पैंट खराब हो गई, मोटी मैं उत्थे फोन देखा सी मेरे किश्तों के फोन लै दे, मैं आप ही किश्त भरूंगा, कब भरी है कौन सी, मैंने तो नकद लेके फोन दिए, नकद कैश लेके दिया, किश्तों पे भी नहीं। मेरा तो आईफोन भी नहीं छोड़ा, मेरा फोन मेरे पास उसने कुछ नहीं छोड़ा, उसने ऑलरेडी 3 फोन बेच चुका है। वो 3 फोन पहले अपना खुद का जो इसके पास शादी के पहले था, दूसरा मेरा आईफोन, और तीसरा इसका जो अभी मैंने फोन नया लेके लिया था ओप्पो का, वो भी, क्योंकि इसको मैं जितना लेके देता हूँ सब बेच देता है। अब प्रियांश का फोन था जो पुराना दीपक वाला, वो मैंने, दीपक ने प्रियांश को लेके दे रखा था जो, वो मैंने इसको दिया, इसने वो भी, वो तो वो अभी चला रहा है, वो ले गया, वो बेचा नहीं है, वो खुद चला रहा है। वो इससे ज़्यादा भैया जान दे दूँ क्या, रिश्ता निभाने के लिए क्या करूँ। मैंने उसको ये बोला कि ठीक है तेरे नशे नहीं छूटते तो गोलियां कैप्सूल खा रहे, कम से कम कमा तो सही, अब भी लगा हुआ ना जॉब, अब भी लगा ठेकेदारों के साथ जॉब पे, पहले नहीं कर सकता था, अब पता है पैसे नहीं मिलेंगे कंचन तो देगी नहीं। और अब भी मेरे साथ 2 दिन पहले ना कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, माफ़िया मांग मांग के, यार मेरे से गलती से बोला गया, मैं नशे में बोला गया, मुझे उसने भड़का दिया, मुझे उसने भड़का दिया, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को डिवोर्स मत दे, मैंने फाड़ दिया कागज़, मैं तेरे बिना मर जाऊँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता यार, मैं तेरे को वापस आना, मैं तेनू जफ्फी पानी घुट के, मैं तड़फिया पे तेनू जफ्फी पाउन, तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, ऐसे ऐसे मैसेज मुझे भेज रहा था। और अगर मैं बात करूँ, रिप्लाई करूँ तो ठीक है, अगर नहीं करूँ ना तो वो, कल मैंने रिप्लाई नहीं करा और आज मुझे उसने जी की औलाद, इसकी औलाद, उसके इतना गंद बोला ना, इतना गंद, नीचे पढ़ने वाले लड़कों के नीचे पढ़ पढ़ के आई है ये वो, इतना गंद बोला। मैं मंदिर में बैठी हूँ, माता रानी को पता है मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत, बस उस इंसान ने मुझे इतना बदनाम करा। आज तो उसने हद ही पार कर दी, कुछ कम छोड़ा ही नहीं उसने। छोटा सा वीडियो बनाने आई थी, बातें करते 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 वीडियो बहुत लेंथी हो गया, बंद करती हूँ। प्लीज़ मेरे पे से ये जो दूसरी शादी का धब्बा है प्लीज़ मिटा दो, प्लीज़ भूल जाओ उस मेरी दूसरी शादी को, प्लीज़ आप मुझे दीपक की शादी से जानो, आप मेरे को अनमोल के नाम से जानो, पर मेरे को गगन के नाम से मत जोड़ो, प्लीज़ मत जोड़ो, प्लीज़ मत जोड़ो। और मेरी अनमोल से शादी हुई है या नहीं हुई है, हमारा क्या है, हमारा क्या रिलेशन है, हमारे बीच में क्या है, वो हम बहुत जल्दी आपको बता देंगे। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दो, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा इन चीज़ों से बाहर निकलेगा, मैं मेंटली बहुत अपसेट हूँ, बस मैं इसलिए
मैं अपने ब्लॉग में नहीं दिखाना चाहती थी आपको कि मैं अपसेट हूँ, मैं परेशान हूँ, या मुझे हर्ट हो रहा है, या मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैं नहीं इन चीज़ों को दिखाना चाहती थी, नहीं मैं रोना धोना चाहती थी। इसलिए मैं हंसी खुशी मैं सिर्फ अनमोल के साथ ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। चलो ठीक है गाइस, मैं बंद कर रही हूँ इस वीडियो को, बाय।